आओ इधर आओ आमिर भाई जो हमारे कंपोजर हैं और हमारे रेप माय डार्लिंग तामे ओके सो इजाज इजाज बताएंगे अभी थोड़ा सा उनको ये म्यूजिक कैसा लगा और फिर हम लोग यार म्यूजिक बहुत अच्छा है इमोशंस बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो आर्मी वाले होते हैं जो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते देश की सेवा करते हैं हम लोगों की हिफाजत करते हैं और उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है हमारी तरह जो हम भूल जाते हैं और वो देख के आई फेल्ट रियली के वो कैसे इस तरह से अपनी नई मतलब दुल्हन को छोड़ के देश की सेवा के लिए जाते हैं और शबाना मैम और राजू जी ने तो मतलब लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया और लड़के ने भी अच्छा किया मैं होता तो और अच्छा करता तो मैम ने धूप में खड़े रहने के लोगों से काम करवाया मतलब बहुत मेहनती है और सरोज खान को खोल के ये पी गए तो सरोज जी के बाद अगर किसी को मैं मानता हूं तो मैं मैम को मानता हूं शबाना मैम और मतलब मेहनत में एक एक्सप्रेशन भी अगर सांस का भी हो तो लड़की को बोलते क्या सांस नहीं आती क्या फीलिंग है क्या तो इधर घूम रहा इधर ऐसे करके मतलब तुमको इतना बेइज्जत करेंगे तुमको एक्टिंग करनी पड़ेगी तो बहुत टैलेंटेड है राजू शबाना जी म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी सिंगिंग है आपकी और बस यही कहूंगा कि आई विश ऑल द लक टू दिस म्यूजिक वीडियो एंड ऐसे म्यूजिक वीडियो बनाते रहो एंड यू नो आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस एक नंबर अमन जिंदगी में अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता हूं और राजू शबाना जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है उनके साथ गाने सीखे हैं मैंने डांस सीखा है तो आज उनको मेरी जरूरत है तो मुझे 100% आना ही है और मैं यहां पे हूं और आई विश ऑल द लक टू देम बहुत अच्छा गाना बना है और बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है जो हमारे देश के आर्मी वाले हमारे लिए इतना कुछ करते हैं हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं और उनके पास आपने देखा खाना तक नहीं है अभी एक नया वीडियो चला मैं देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहूंगा कि सर ये सरासर ना इंसाफी है उनके साथ और हमें सबको भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं किसी ने चार रोटियां निकाल के वहां नहीं भेजी हाँ लंदन तक अचार भेज देंगे कैनेडा तक वो भेज देंगे यहाँ के गुलाब जामुन यहाँ की चीजें भेज देंगे लेकिन ये कश्मीर के एंड तक कोई नहीं भेजता है तो ये बड़ी दुख की बात है और इस वीडियो में भी वही दिखाया गया है कि अपनी नई शादी अपनी सब कुछ वो छोड़ के वो अपनी देश की सेवा के लिए उनको मैसेज आ गया कि रिपोर्ट राइट ना हो तो मेरे यारो कि हम सब ना हिंदुस्तान को अपनी जेब में रखते हैं और ये आर्मी वाले हिंदुस्तान को अपने दिल में रखते हैं तो रिस्पेक्ट देम इनसे सबूत ना मांगा करो इनकी इज्जत किया करो और इनको जहां भी देखो सैल्यूट किया करो उसके अलावा बिग बॉस की अगर मैं बात करूं बिग बॉस के भाई मैं आप लोगों को एक बात का वादा करता हूं
बाबा मुझे जहां भी दिखा, लोग तो बोलते हैं लेकिन आप तो जानते हैं मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, जहां मुझे बाबा दिख गया उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, तो अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके कान के नीचे ऐसी बजाऊंगा ना कि तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल पीला और नीला, और बाबा हो जाएगा नीचे से गीला, ये मेरा वादा है तुम लोगों को। ओके, बाबा ने और अनसर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो क्या है यार, मैं ये कहता हूं कि यार जो भी लोग जितने भी लोग बिग बॉस के घर में है, सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि औरत की डिसरिस्पेक्ट, और यार इतना गिरी हुई हरकत करने के बाद मतलब यार ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, मतलब कहीं ना कहीं एजाज भाई ये जो सामने आया, जो वीडियो सामने आया पेशाब फेंकने का, लोगों को छिड़कने का, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये प्लानिंग था, और इससे कहीं ना कहीं बिग बॉस का एक बात बताऊं, ग्राफ जो है हाँ, वो नीचे गिरा, वो मेरे बाद ग्राफ गिरता ही जा रहा है बिग बॉस का, वो छोड़ दो तो वो छोड़ दो, वो गिरता ही जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे जो जो होता है वही दिखता है, तो जो भी आपको बाहर आके ये बोलता है ना कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा दिखाया मैं तो ये नहीं हूं, जो जैसा होता है वैसा ही वो लोग दिखाते हैं 24 घंटे के अंदर। मैं सबसे बड़ी बात ये कर दूं कि अगर स्वामी ने ऐसा किया तो घर के अंदर वो मेरे को मनवीर और मन्नू से बड़ा दुख हो गया, कसम खुदा की मैं होता मैं कान के नीचे दो बजाता। और ये देखा है आप लोगों ने, जब भी मैं हक के लिए लड़ा हूं, मैं अरमान कोहली से भी, सोफिया के लिए जब सोफिया को उसने मारा था मैं उससे लड़ा था, गौहर के लिए भी लड़ा, कामिया के लिए भी और प्रत्युषा के लिए भी लड़ा। तो अगर अंदर मर्द लोग है और एक ये स्वामी ऐसा करता, उसको उल्टा लटका के बांध दो, बाथरूम में बंद कर दो उसको हाथ पैर बांध के। ओके, आखिरी सवाल आपसे, अगर वाइल्ड कार्ड के थ्रू आपको एंट्री दी जाए और बाबा को भी बुलाया जाए इस सीजन में, तो क्या आप जाएंगे और जवाबी कार्रवाई क्या होगा फिर वहां पे? इसी देखो, बाबा को तो मैं ऐसे बाहर भी देख लूंगा, लेकिन फॉर बिग बॉस यार आई एम नॉट गोना गो फॉर लिटिल, यू नो मेरी प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। मेरे डैडी ने मुझे बोला कि इफ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। मैं भले मीडिया को बाइट देके 5 मिलियन 3 मिलियन व्यू दे दूंगा, मीडिया मेरी दोस्त है, पर वहां पे धंधा है और धंधे में शर्म नहीं रखने का। यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से बानी ने सबको फेल कर दिया, मेरे हिसाब से वो मर्द की तरह खेल रही है। मनवीर भी अच्छा है, मनवीर मेरे को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मनवीर दिमाग से खेल रहा है। अब एक प्लेट पे आके देखो भाई, यहाँ पे सब लोग जीतने आए, कोई भी हारने नहीं आया, तो जीतना बहुत जरूरी है। और मैं दुआ करता हूँ मनवीर या बानी में से कोई जीते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।